नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। एनडीआरएफ ने रोका बचाव कार्य, अब कल सुबह फिर से शुरू होगा एनडीआरएफ टीम का बचाव कार्य। नदी में भारी मात्रा में कचरा व अंधेरा होने के कारण बचाव कार्य नहीं कर पा रही है एनडीआरएफ की टीम। 8 साल के शोएब को बचाने बुलंदशहर पहुंची एनडीआरएफ की टीम। बुधवार की दोपहर नगर कोतवाली क्षेत्र की काली नदी में खेलते हुए डूब गया था शोएब। 29 घंटे बाद एनडीआरएफ पहुंची बुलंदशहर। इसे बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। सर, आप यहाँ पहुँचे हैं अभी, जो कच्चा डूबा था क्या वो मिल पाया, क्या सर्च किया गया उसे? हाँ, जैसे हम यहाँ पहुँचे तो हमने तुरंत ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था यहाँ, मतलब देख के। उसके बाद जैसे अंधेरा भी ज़्यादा हो गया था, उसमें कुछ दिख नहीं रहा था। पानी भी मतलब ऐसा ही है, उसमें कचरा ज़्यादा है, उसकी वजह से जो हमारी बोट है वो ढंग से चल नहीं पा रही उसमें। तो अर्ली मॉर्निंग कल स्टार्ट करेंगे इसको। कितनी गहराई होगी इसकी? गहराई तो ज़्यादा नहीं है, मतलब उसमें 5-6 फीट के लगभग ही है, इतने ज़्यादा नहीं है। तो बचाव कार्य में मेन दिक्कत जो आ रही है वो क्या है? अभी तो वो जो कचरा, इसमें कचरा बहुत ज़्यादा है ना, तो वो दिक्कत आ रही है अभी। वैसे कल अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे, मतलब जो भी हमारे पास इक्विपमेंट है उनसे भी देखेंगे और वैसे मैनुअली भी देखेंगे।